शिखा मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज पूरे देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान की शुरुआत की है। इस पर हमारे जदयू नेता डॉक्टर सुनील कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, आज से कोविड वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, एज ए डॉक्टर आप इसको कैसे देखते हैं? आज का दिन हिंदुस्तान के तारीख में एक ऐतिहासिक दिन है कि जिस तरह से हमने कोरोना बीमारी पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर लगाम लगाई, उसी तरह हमने कोरोना वैक्सीन, इसमें कि देश में बने हुए कोरोना वैक्सीन भी शामिल है, रिकॉर्ड समय में कोरोना वैक्सीन बनाया और देश को कोरोना वैक्सीन मिला और आज से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। तो एक ऐतिहासिक दिन है राज्य के लिए, बिहार के लिए और देश के लिए। और इसके साथ ही आज के दिन जो है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, चिकित्सा कर्मी के साथ साथ जो पहले टीका लिए रामबाबू और अमित कुमार को भी बधाई है, पूरे बिहारवासी और देशवासी को बधाई है। और निश्चित ही कोरोना बीमारी में हमने बिहार में चिकित्सकों ने हम लोग एक साथ मिलकर लड़के कोरोना बीमारी पर नियंत्रित किया और टीका में भी हम लोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पूरे अन्य देशों से जो तथाकथित देश है, बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनसे भी हिंदुस्तान को टीका का ऑर्डर मिल रहा है। और टीकाकरण अभियान में, कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान में हम विश्व नेता हैं, इसकी हम हार्दिक खुशी है। और हम लोग पूरे बिहारवासियों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को आज गर्व का दिन है। आज पूरे हम लोग पूरे खुश हैं, गर्व का दिन है और सारे हिंदुस्तान वासियों को, बिहारवासियों को फिर से एक बार बधाई। तो आपने सुना, हमारे जदयू नेता डॉक्टर सुनील कुमार ने कोरोना के खिलाफ जो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है उसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी समेत सभी देशवासियों को उन्होंने धन्यवाद अदा किया।